दोस्तों 1971 के भारत पाकिस्तान का जिक्र आते ही हमारे जहन में अक्सर दो ही तस्वीरें उभर कर सामने आती हैं। पहली तस्वीर सरहद को पाक सैनिकों की कब्रगाह बनाते भारतीय जाबाजों की और दूसरी तस्वीर दुश्मन के टैंकों व लड़ाकू विमानों को जमींदोज करते भारतीय लड़ाकू विमानों की। इन दोनों तस्वीर के अलावा 1971 के भारत पाक युद्ध की एक तीसरी तस्वीर भी है और वो तस्वीर है भारतीय नौसेना की। जी हाँ, इस युद्ध में भारतीय नौसेना पाकिस्तान पर काल बनकर बरसी थी। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की कमर तोड़ने में भारतीय नौसेना की भूमिका सबसे अहम रही थी। यानी आप यह भी कह सकते हैं कि 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना न होती तो शायद आज बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र न होता और शायद भारत भी पाक से युद्ध हार सकता था, क्योंकि इस युद्ध में पाकिस्तान के साथ ब्रिटिश और अमेरिका खड़ा था और उसे हथियार सप्लाई करके मदद भी कर रहा था। लेकिन फिर भी 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को संभलने तक का मौका नहीं दिया था। पाकिस्तानी नौसेना इस युद्ध के लिए खुद को तैयार करती, इससे पहले ही भारतीय नौसेना ने पाक नौसेना के बेड़े में तबाही मचाना शुरू कर दी थी। 13 दिन तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान के 18 कार्गो शिप, 7 आर्टिलरी बोट्स, 3 पेट्रोल कैरियर बोट, 3 कोस्ट गार्ड पेट्रोल शिप्स, 2 डिस्ट्रॉयर, 1 माइन स्वीपर, 1 सबमरीन और संचार पोत को तबाह कर उन्हें समुद्र की गहराइयों में डुबा दिया था। इतना ही नहीं, अनवर बक्स, पासनी और मधुमती नाम के 3 मर्चेंट बोट्स और 10 छोटे छोटे जहाजों को भारतीय नौसेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो चलिए जानते हैं कि कैसे 1971 भारत पाक युद्ध में भारतीय नौसेना ने अपनी भूमिका अदा करी और कैसे भारत ने दुनिया की परवाह किए बगैर बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद किया। दोस्तों 4 मार्च 1961 का वो दिन था जब इंडियन नेवी को उसका पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मिला। दरअसल साल 1957 में भारत ने इसे ब्रिटेन की रॉयल नेवी से अधूरे कंस्ट्रक्शन के साथ खरीदा था, लेकिन 1961 में इसका निर्माण पूरा हुआ और 4 मार्च को इसे भारतीय नौसेना के हथियारों के जखीरे में शामिल कर लिया गया। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के एयर स्पेस और सीमा पर हमला बोल दिया था। इसी हमले के बाद 1971 का भारत पाक युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया, जिसमें पाकिस्तानी नौसेना के कराची हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई। 4 दिसंबर 1971 को विमान वाहक पोत INS विक्रांत, उड़ान भरने वाले सी हॉक लड़ाकू बम वर्षक विमानों ने चटगांव और बॉक्स बाजार सहित पूरी पाकिस्तान के कराची तट पर पाकिस्तानी जहाजों पर हमला बोल दिया। इस टीम में 1 मिसाइल शिप और 2 डिस्ट्रॉयर थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसी ऑपरेशन में भारत ने पहली बार किसी जहाज को एंटी शिप मिसाइल से हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान के कई जहाज और कराची हार्बर फ्यूल स्टोरेज को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसके बाद पाकिस्तानी नौसेना को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि इस हमले से कराची के तेल टैंकरों में काफी भयानक आग लग गई। यह आग इतनी भयानक थी कि 60 किलोमीटर दूर से इसकी आग की लपटों को देखा जा सकता था। भारतीय नौसेना की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने हमले के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के टोही युद्धक विमान को रवाना किया। इस टोही युद्धक विमान ने पाकिस्तान के अपने ही PNS जुल्फिकार पर हमला कर दिया। इस हमले में पाकिस्तान का PNS जुल्फिकार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही इस युद्धपोत में सवार पाक नौसेना के अधिकारी और सैकड़ों कर्मचारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को दूसरी चोट 8 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन पाइथन के जरिए दिया। 8 दिसंबर 1971 की रात भारतीय नौसेना ने स्टाइक्स मिसाइल से हमला किया। इस हमले में बड़े ईंधन टैंक, 3 पाकिस्तानी व्यापारी बेड़े और कराची बंदरगाह में खड़े विदेशी जहाज को भी तबाह कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी नौसेना पूरी तैयारी के साथ समुद्र में उतर चुकी। इसलिए INS विक्रांत ने देश के पश्चिमी समुद्री सीमा पर भाग दौड़ संभाली, और वो भी ऐसे कि पूरा पाकिस्तान किसी भी तरह से इस जंग में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। भारतीय नौसेना के इस कदम से पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान एक दूसरे से अलग थलग पड़ गए। हालांकि INS विक्रांत के बॉयलर में कुछ गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार करीब 12 नॉट्स यानी 12 समुद्री मील प्रति घंटा हो गई थी, जबकि पहले इसकी स्पीड 25 नॉट्स यानी 25 समुद्री मील प्रति घंटा थी। लेकिन फिर भी 1971 भारत पाक युद्ध में INS विक्रांत के कारण पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे। एक बॉयलर खराब होने के बावजूद भी जंग में जिस तरह विक्रांत ने भारतीय नौसेना और वायुसेना को सपोर्ट दिया था, उससे पाकिस्तान की सेना में मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा हो गया था। 1971 के
युद्ध में आईएनएस विक्रांत का ही खौफ था कि पाकिस्तान की सबसे खतरनाक कही जाने वाली पनडुब्बी पीएनएस गाजी समुद्र की गहराइयों में डूब गई थी। हमने पहले भी पीएनएस गाजी वर्सेस आईएनएस विक्रांत के ऊपर वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, जब पाकिस्तान समुद्र में भारत के हाथों मात खा रहा था, तब अमेरिका और ब्रिटिश ने भारत के खिलाफ अपनी नौसेना के न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के 7th फ्लीट को बंगाल की खाड़ी में उतार दिया, जिसके बाद भारत की मदद करने रूस ने अपना न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दिया, जिसे देख अमेरिकी और ब्रिटिश नौसेना उल्टे पैर भाग गई थी। 1971 का भारत पाक युद्ध मात्र 13 दिन चला और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जरिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर एग्रीमेंट पर साइन करने के साथ ही ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर खत्म हुआ और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। आईएनएस विक्रांत को अब तक 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र मिल चुके हैं। इसी चीज से आप बता सकते हैं कि आईएनएस विक्रांत भारत के लिए कितना खास है। इसलिए भारत ने फिर से आईएनएस विक्रांत को बनाकर भारतीय नौसेना को सौंप दिया है और आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तब आईएनएस विक्रांत भी भारतीय नौसेना में शामिल हो रहा है। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना के इस शानदार घातक जाबाज के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। साथ ही आपको भी आईएनएस विक्रांत पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।